सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम बात करेंगे हमारे लर्न इंस्पायर में आईडी किस टाइप से बनाएं, हमें बैंक डिटेल फिल करना क्यों जरूरी है। आप स्टार्टिंग में से हो तो आपको पता नहीं होता है कुछ चीजें, ऐसे मेन पॉइंट आपको पता नहीं होते। इस वीडियो में हम आज क्लियर करेंगे किस टाइप से हम आईडी बनाना होती है, ठीक है, किस टाइप से हमको बिलिंग डिटेल फिल करना होती है, सारी चीज मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको क्लियरली समझना है किस टाइप से मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारी फोन की। सो जैसे कि फ्रेंड्स हम आ जाते हैं हमारी फोन की स्क्रीन पे, तो जैसे कि आपको जिस पर्सन के साथ स्टार्ट करना वो आपको एक लिंक शेयर करता है जो उसकी एफिलिएट लिंक होती है, ठीक है। तो इसी टाइप से एक एफिलिएट लिंक पे हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सेकंड रुकना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अपना इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है, ये होता है हमारा लर्न इंस्पायर का इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे अपने को नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा, ठीक है। फर्स्ट कोर्स आता है लाइट कोर्स, सिल्वर कोर्स, थर्ड आता है गोल्ड कोर्स, प्लैटिनम एंड प्रोफेशनल। ये हमको 5 कोर्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी ने सजेस्ट नहीं किया है, सजेशन नहीं मिले आपको, तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ जो सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है और ज्यादा से ज्यादा पर्सन यही चीज लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो होता है हमारा प्लेटिनम कोर्स। प्लेटिनम कोर्स इसलिए बेस्ट होता है कि इसमें हमको सारी हाई स्किल्स पेइंग कोर्सेस मिलता है, इसमें सारी चीजें हम इनरोल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे अगर प्लेटिनम कोर्स पे क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो सेकंड इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे इनरोल नाउ, ठीक है। इनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास बिलिंग डिटेल आता है, फर्स्ट नेम आपका आएगा, लास्ट नेम आएगा, व्हाट्सएप नंबर आएगा, जीमेल आईडी आएगी, यूजर नेम आएगा एंड पासवर्ड आएगा। अब फर्स्ट नेम में आपका नेम लिख देना, फर्स्ट नेम, सेकंड में आपको जो लास्ट नेम बता रहा है इसमें अपना सरनेम लिखना है, थर्ड में जो व्हाट्सएप नंबर है वो जो आपको व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो व्हाट्सएप नंबर डालना है, जीमेल आईडी में आपको ईमेल अपना एड्रेस डालना है, ठीक है, जो जीमेल आईडी आप यूज करते हो फोन चलाते हो। अपना यूजर नेम में आपको फुल नेम डालना है, जैसे कि एग्जांपल बताऊं तो जैसे मेरा नेम है कुलदीप पाटीदार, ठीक है, तो यूजर नेम में फुल नेम डाल देना कुलदीप पाटीदार। और पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड आप खुद सेल्फ क्रिएट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे काम आए, ठीक है। इसमें आपको सारी प्रोसेस यहाँ पे बताई जाती है। और सेकंड यहाँ पे लास्ट में आता है रेजर पे यूपीआई। सो जैसे कि हमने बिलिंग डिटेल फिल करने के बाद हमारा नेक्स्ट नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, वहां पे हमारे पास आता है प्लेस ऑर्डर का बटन, ठीक है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होता है, वहां पे हमारे पास आता है नेट बैंकिंग के ऑप्शन आ जाते हैं। आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। आप अपना डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सारी चीजें यूज करके अपना पे करके आपके वहाँ पे कम्प्लीटली आईडी डन होने के बाद आपके पास कंपनी की ओर से थैंक यू का मैसेज आता है, वहाँ पे आपको 2 से 3 सेकंड वेट करना है, ठीक है। सो ये हो गई हमारी कम्प्लीटली आईडी, कैसे क्या बनती है, कैसे क्या प्रोसेस है, सारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताइए। अब ये फॉलो अप इस टाइप से ले सकते हो कि अपने आप सीनियर से मांग सकते हो या एफिलिएट लिंक, जिसके साथ आप स्टार्ट करना चाहते हो उससे आप ये एफिलिएट लिंक लेके आप ये वाली जो मैंने प्रोसेस बताई है इससे आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।